आज का प्रश्न हमें लिखा है सुनील दुबे जी ने वाराणसी से। तो सुनील कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने आपका कल का वीडियो सुना था। उसमें आपने बताया कि शमशान में कोई प्रेत नहीं होते, तो फिर वहाँ साधक साधना में क्या करने जाते हैं? आपने भी बताया कि आपने भी शमशान साधना की है। तो जब शमशान में भूत प्रेत कोई शक्ति नहीं होती, तब फिर आप शमशान में क्या साधना करने गए थे और आपने वहाँ क्या पाया? तो सुनील, हमारे जो गुरुदेव थे वो बुद्ध के मानने वाले थे। वो अपने जो भी साधक होते थे उनके पास जो सीखने आते थे, जैसे कि हम भी गए थे, तो वो अपने सभी साधकों को मरघट भेजते थे। नया जो भी साधक आता उनके आश्रम में, उसे भेज देते थे मरघट कि 3 महीने मरघट पर बैठकर ध्यान कर। और वहाँ लाशें आती, मुर्दे लाए जाते, जलाए जाते, हड्डियाँ पड़ी हैं, खोपड़ियाँ पड़ी हैं, जो कल तक जिंदा था वह आज राख होकर पड़ा है। साधक बैठा है, यह सब देख रहा। यहाँ सब अनित्य है, सब दुखपूर्ण है। यहाँ कहीं कोई शरण लेने योग्य स्थान नहीं है। यहाँ सभी व्यर्थ है। इस सारी व्यर्थता से पार चले जाना है। इस सारी व्यर्थता के ऊपर उठकर आपको साक्षी हो जाना है। तो मैं भी गया था अपने गुरु के आदेश से शमशान में। मैं बैठता था वहाँ, रोज मुर्दे आते, सुबह शाम जलते ही रहते थे, क्योंकि मरघट में कोई ना कोई जलता ही रहता है। मुर्दों को जलते देखते देखते ऐसा दिखाई पड़ने लगता है कि एक न एक दिन मैं भी जलूँगा, ऐसे ही जलूँगा। फिर मैं क्या पकड़ूँ, किस लिए पकड़ूँ? इस शरीर की यह गति हो जाने वाली है, बिल्कुल हो जाने वाली है 2 दिन आगे पीछे। इसको अपने परिजन जिनको मैं कहता हूँ, वे ही कंधे पर रख कर ले आएंगे और आग में समर्पित कर जाएंगे। पीछे कोई बैठता भी नहीं कि क्या होगा मेरे प्रिय का, और साधक बैठा देखता रहता है, जैसे कि मैं बैठा देखता रहता था। आग बुझ जाती है, जानवर आ जाते, बचे खुचे अंगों को तोड़ लेते, गर्दन ले भागते, कोई हाथ ले भागता। तो मुझे ख्याल आता बार बार कि ऐसा मेरे साथ भी होगा, ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि जिनको हम अपना प्रिय कहते हैं, प्यारा कहते हैं, उनका संग साथ भी तब तक है कि जब तक ये जीवन है। इधर जीवन गया, वहाँ सब प्रेम मैत्री सब संबंध गए। जिन्होंने बड़ी साथ संभाल की थी इस देह की, वे ही इसे चिता पर रख गए। बैठे भी नहीं थोड़ी देर, रुके भी नहीं थोड़ी देर। दुनिया में और 1000 काम हैं, तो वो चले गए तुरंत। तुम भी देखते हो ना, कोई आदमी मर जाता है, कितनी जल्दी अर्थी बांधी जाती है। घर के लोग रोने धोने बैठ जाते हैं, पास पड़ोस के लोग जल्दी से अर्थी बांधने लगते हैं। साथ तो देना ही चाहिए। उठी अर्थी, चली अर्थी, 2-4 दिन रोना धोना पीटना सब बंद हो जाता, संसार अपनी जगह चलने लगता है। ऐसे ही साधक बैठा देखता रहता है शमशान में और ध्यान करता रहता है कि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी नहीं ठहरता। यहाँ कोई शरण स्थली नहीं है, कहीं कोई भी सुख नहीं। यह सब स्वप्नवत है और स्वप्न भी नहीं, इसको आप दुख स्वप्न कहें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, जब यह धारणा गहरी हो जाती है, जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जैसे ही आपके अंदर यह धारणा गहरी हो जाती है कि यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है, सब रेत के महल हैं, जो जरा सी हवा के झोंके आए और उड़ा ले जाएंगे, तो मृत्यु का झोंका जो आएगा वो हवा के झोंके के समान ही है। तो यह एक बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है जो कि 1000 साल से भारत में इस्तेमाल की जाती है। भगवान शिव को भी आपने देखा होगा, वो अपने शरीर पर भस्म रमाए रखते हैं, वो शमशान की ही भस्म होती है।
कोई वहाँ भूत प्रेत की सिद्धि करने शमशान हम तो गए नहीं, और जो जाते हैं वो मूर्ख हैं, क्योंकि भूत प्रेत शमशान में कहाँ। मुर्दे को जलते ही आत्मा वहाँ से कट लेती है, कल्टी मार लेती है, निकल जाती है और नया शरीर खोजने के लिए, क्योंकि जो है समझ लेती है, देख लेती है, अनुभव कर लेती है कि जिस शरीर को आज तक अपना समझा था वह अब राख का ढेर है, तो यहाँ अब रुकने का कोई लाभ नहीं। वह नया शरीर देखने के लिए चली जाती है। और भूत प्रेत होते हैं ज़्यादातर वो जिंदगी की तरफ भागते हैं, क्योंकि उनका जो चित होता है वह उस आत्मा के साथ जुड़ा होता है, उसके अंदर जो भी ख्वाहिशें थी, जो भी बाकी रह गई थी उसकी वासनाएं, वह उन्हीं वासनाओं की दौड़ में चला जाता है। किसी को सुंदर सी स्त्रियों का लालच था, काम के वशीभूत कोई शरीर था, कोई आत्मा उसकी भटकती है, तो उसका चित उसे वैशाल्यों की तरफ ले जाता है और वहाँ उसे वैसा ही गर्भ मिलता है, क्योंकि यहाँ गर्भ भी ढूंढने पड़ते हैं। जिसके योग्य जो गर्भ होता है वही मिलता। किसी का चित धन के प्रति था तो वह भी तुरंत जन्म लेता है, वह भी वहाँ से तुरंत चला जाता है और वैसी ही आगे देह पाता है जैसे कि उसकी वासना थी। इसीलिए आपको बता दूं कि जब स्त्री पुरुष संभोग करते हैं उस समय काफ़ी बहुत सारी आत्माएं उन शरीरों को देख रही होती हैं कि कौन सा शरीर, कौन सा गर्भ मेरे योग्य है, मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। जिस समय स्त्री और पुरुष का मिलन होता है उस समय ये आत्माएं इसी इंतज़ार में रहती हैं, वो गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं और जन्म लेकर दोबारा अपनी उन्हीं काम वासनाओं की पूर्ति में लग जाती हैं जो कि पिछले जन्म में रह गई थी। आपने देखा होगा कि जितनी महान हस्तियाँ हुई, जितने महापुरुष हुए, श्री कृष्ण थे, राम थे, तो उनको पैदा होने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण गर्भ चाहिए। इसीलिए तो आपने देखा कि कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई नानक, कोई कबीर, इनके जन्म लेने में सैकड़ों वर्षों का अंतर होता है, क्योंकि वैसा गर्भ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आत्माएं इंतज़ार में रहती हैं कि उन्हें अपने समकक्ष कोई गर्भ मिले तो वो जन्म ले। इसी तरह बुरी जो आत्माएं होती हैं, आत्माएं तो बुरी होती नहीं, लेकिन जो चित होता है उनके साथ, जिसको उसने समझ लिया कि मैं हूँ, जैसे हम देह को अपनी समझने लगते हैं, मन को समझने लगते हैं कि मैं ही हूँ, तो जो बुरी आत्माएं होती हैं उनके लिए भी गर्भ मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने देखा होगा एडोल्फ हिटलर, नादिर शाह, तैमूर लंग, ये जितने भी कातिल हुए हैं, कतलखोर हुए हैं, इन्होंने भी सैकड़ों वर्षों के अंतराल के बाद जन्म लिया है, क्योंकि इतना निष्कृष्ट गर्भ मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये भी कभी कभी पैदा होते हैं। और जो बीत वाली आत्माएं होती हैं, जो न ज़्यादा अच्छी होती हैं न ज़्यादा बुरी होती हैं, वो साधारण होती हैं, उनको तुरंत गर्भ मिल जाता है और वो तुरंत नया जन्म ले लेती हैं। तो अब आप सोचो शमशान में आत्मा बैठ कर क्या करे, वह तो अपने चित्त की वृत्तियों के अनुसार नया गर्भ तलाश करने लग जाती है। तो साधारण जो आत्माएं होती हैं वह मृत्यु के 3 दिन, 7 दिन और 13 दिन के अंदर नया गर्भ प्रवेश कर जाती हैं और जन्म के लिए फिर से तैयार हो जाती हैं। तो ये था आज के प्रश्न का उत्तर। आज इतना ही। हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम काली।